से लेकर आज तक जो चुनाव हुए पूरे देश में एक जनचर्चा है कि ये जो मैंडेट जनता का मिला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कई प्रश्न ईवीएम के ऊपर उठते हैं जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है न सरकार देती है और इनका जो अति विश्वास झलकता है 2014 में कहा कि हमको 272 से ऊपर सीटें मिलेंगी 284 आई 19 में कहा 300 पार 303 आई अब कह रहे 400 पार। ये इस प्रकार का उदाहरण हमने को कहीं और देखने को नहीं मिलता लेकिन हां ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है ये शुद्ध रूप से कहीं ना कहीं हमें शक पैदा करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 1 ईवीएम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बड़े साहसिक ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी निकालने के लिए सरकार को बाध्य किया और उसकी इसको इलीगल पाया गया और उसकी इलीगलिटी तो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे। और अगर आप देखेंगे कि 2018 से 2024 के बीच में भाजपा को 8,252 करोड़ रुपए मिले, 16,518 करोड़ कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से उन्हें 8,252 और कांग्रेस को 1950 करोड़ मिले और वो भी अब फ्रीज कर दिए गए। फ्रीज मतलब आप उससे एक पैसा भी पार्टी चुनाव में नहीं निकाल सकती। अब ये भी प्रकरण सामने आए हैं कि जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिए, ईडी आईटी सीबीआई रेड करती है, वो कंपनी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और उन पर ईडी आईटी सीबीआई का जो भी केस है वो साफ हो जाता है। और इन्होंने तीन तरह से ये चंदा उगाया, एक हफ्ता वसूली एक्सटॉर्शन, तुम पर हमने रेड किया है जेल जाओ या चंदा दो, और ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जहां इनके रेड के बाद वसूली हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हुई है। और ऐसे 14 प्रकरण हैं जहां रेड हो जाने के बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदकर चंदा भाजपा को दिया। इसके बाद दूसरा है चंदा दो और धंधा लो, 4,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए जिसमें लगभग 4,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चंदा उन्होंने वसूल किया, 4,00,000 करोड़ 243 प्रोजेक्ट, और उसमें 37 बिजनेस हाउसेस के डोनेशंस के हिसाब से हम लोगों ने देखे में काफी काम हुआ है। साथ में एक ये बड़े एक स्कैंडलस है, दुख की बात है
कि 7 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिन पर की इन्वेस्टिगेशन चला था नकली दवाइयों का, कफ सिरप, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, COVID-19 ट्रीटमेंट, रामडेसिविर इंजेक्शंस, उन सारी इन्वेस्टिगेशन के कंपनी से इन्होंने चंदा लिया, ये भी उससे प्रमाणित होता है। यानी कि कोविड में जो दवाइयां बांटी जा रही थी, नकली दवाइयां, उन दवाई बनाने वालों से भी चंदा लेकर उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। ये है मोदी गारंटी। मोदी गारंटी है हफ्ता वसूली की, मोदी गारंटी है चंदा दो धंधा लो। और उसके बाद तीसरी श्रेणी आती है शेल कंपनीज। शेल कंपनी क्या होती है? बोगस कंपनीज जिनके माध्यम से टैक्स हेवन से पैसा आता है और उन कंपनीज में चला जाता है। और इसमें आपने देखा था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर कई ऐसी कंपनीज थी जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उन्होंने भी हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स किए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि पूरे देश के शेल कंपनीज हमने समाप्त कर दी, पूरे देश की। लेकिन इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में भी 29 कंपनियां ऐसी हैं जो शेल कंपनीज हैं, जिनकी जितनी पूंजी है उससे ज्यादा उन्होंने चंदा दे दिया। कर्मचारी कोई है नहीं और चंदा सैकड़ों करोड़ में दे दिया, वो भी लिस्टेड है। ये सारे डिटेल्स आज नेट पर अवेलेबल है। और ये वो है जिनमें से कि फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद मोदी जी की सरकार ने 19 फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनीज थी इनको उन्होंने हाई रिस्क में डाला था ऑफ वायलेटिंग दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो कथा है वो आपके सामने है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबर 3 आता है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसको कैसे उसके अकाउंट सीज किए जाए, फ्रीज किए जाए, ताकि वो ना तो कैंपेन कर सके, ना कैंडिडेट्स को कुछ पैसा दे सके, ना पैम्फलेट छपा पाए और ना तनख्वाह बांट पाए। ये अजय माकन जी के बयान से मैं आपको कोट कर रहा हूं कि 285 करोड़ इनके बैंक अकाउंट में जो थे उसको फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से ना तो पब्लिसिटी का हम लोगों के पास आते हैं, हमें विज्ञापन दीजिए, कहां से देंगे विज्ञापन, हमारे को आप परेशान करेंगे कि आप ऐड दीजिए, अरे हमारा तो अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया, आप विज्ञापन लेना भाजपा के पास जाइए। तो ये पहली बात। दूसरा, मोतीलाल जी वोरा जब कोषाध्यक्ष थे तो उस केस पर, केस क्या था कि एक माननीय सांसद ने अपना वेतन जो था वो डोनेशन दे दिया और उसमें 7 साल बाद उनको याद आई और अकाउंट फ्रीज कर दिया। कब किया? जबकि चुनाव की घोषणा होने वाली थी और हो गई। अब और बात सुन लीजिए। अब उनको ख्याल आया कि सीताराम जी केसरी जब कोषाध्यक्ष थे 94-95 में,
उस पर कोई उनको केस निकाला उन्होंने और नोटिस अब दिया है, यानी 31 साल बाद मोदी जी के इनकम टैक्स विभाग को जो रिटर्न 94-95 में कांग्रेस पार्टी ने दिया था उस पर नोटिस अब दिया गया है। अब ये भी है, ये तो ऐसी बात लगती है कि आजादी के पहले जब महात्मा गांधी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे और जमनालाल बजाज हमारे कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय का भी शायद वो केस निकाल ढूंढ रहे होंगे कि वहां से कैसे नोटिस देकर इनको फ्रीज किया जाए। अब तीन बातें बात साफ होती हैं। पहली बात तो ये, कोई रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स नहीं देना है, ये एग्जेम्पशन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जिसको कि इनकम टैक्स में कॉग्निजेंस लिया गया है। क्रोनोलॉजी है ना कि कैसे इनका गला घोटा जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव ना लड़ पाए। अब पूरे देश में पिछले चुनाव में लगभग 20% से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बावजूद भी आज हमें इस बात का दुख है, राहुल जी ने सही कहा है कि आज इतना बड़ा एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसको आज उस अपने अकाउंट से अपने द्वारा जो फंड्स रेज किए हैं उनको खर्च करने की भी जब उनको अधिक वो छूट नहीं है, और साथ में ये भी है कि लेट पेमेंट, सॉरी लेट असेसमेंट, जो लेट असेसमेंट ऑफ एनी रिटर्न, उस पे मुश्किल से 10,000 रुपए मैक्सिमम है अंडर द आईटीआई, 10,000 का मैक्सिमम पेनल्टी लगती है। उसमें उन्होंने 106% अधिक, यानी कि 199 करोड़ का उन्होंने फ्रीज कर लिया, और इनकम टैक्स अधिकारी बैंक में जाते हैं, जो फ्रोजन हमारे अकाउंट है जबरदस्ती 115 करोड़ रुपए बैंक मैनेजर से दबाव डालकर वो सरकार के खाते में जमा करा देते हैं। ये है किस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और शहनशाह और शाह मिलकर इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गला घोंट रहे हैं। साथियों, यहां तक कि क्राउड फंडिंग में जो पैसे इकट्ठे किए थे पार्टी ने पिछले 5 हफ्तों में, वो सारे भी फ्रीज कर लिए गए। और 14 लाख का नोटिस है और 210 करोड़ का की पेनल्टी है, 14 लाख रुपए पर पेनल्टी 210 करोड़ की। यह है माननीय शहनशाह और शाह के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र समाप्त करने का उनका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कदम है। साथियों, इससे अलावा आप जो भी इस पर कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। सर, क्या ये इमरजेंसी जैसे हालात में क्या? देखिए, बात यह है, कई लोग तुलना करते हैं इमरजेंसी 70s की और अब की। वो इमरजेंसी लागू की गई थी अंडर द एक्ट, मतलब एक कानून के अंतर्गत की गई थी। ये इमरजेंसी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, जिसके माध्यम से ईडी, आईटी, सीबीआई को कहो कि तुम फलां आदमी के पास जाके गला घोटो, पकड़ो और उसके बाद वो वसूली करो। इसलिए
उसमें इनके दूसरों को मुकाबला नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर मैं तो ये कहता हूं कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन जी पर दबाव था कि आप भाजपा में आ जाइए, केस खत्म कर देंगे जैसे दूसरों के हो गए, उन्होंने जेल जाना पसंद किया। यह है ट्राइबल कैरेक्टर, आदिवासी का चरित्र यह होता है वो मरना पसंद करेगा लेकिन अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करता। दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, उनका कसूर इतना था कि उन्होंने उनके नोटिस मिल जाने पर वो हाजिर नहीं हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरे तरीके से विपक्ष को, उनका कसूर भी यही था कि वो इंडिया अलायंस पार्टनर हो गए हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही है, उनका भी यही कसूर था, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हो गया, थैंक यू। बिल्कुल, ये संगठन की कमजोरी नहीं है, ये भय और लालच दोनों का मिश्रण है। ऐसे ऐसे लोग जिनको सब कुछ मिला, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। यस, यू हैव जस्ट सीन मिस्टर राहुल गांधी ट्रेवलिंग 6,400 किलोमीटर्स हिटिंग द स्ट्रीट्स। अलाइज आर डूइंग देयर ओन वे, ऑफकोर्स वी आर ऑल टूगेदर। आप एक क्वेश्चन हो गया आपका, अभी कर लीजिए। हाँ, लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन हम तो, मैंने हमेशा कहा है, मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा पालन करेंगे जी। प्रदेश में जहां से भी और देश में जहां से भी, भाई विद्या पाठक गेट्स ए प्रेफरेंस। एक जी, विद्या जी, कम से कम दिग्विजय सिंह को पर आरोप मत लगाइए कि आपने ईवीएम का विरोध नहीं किया। ताकत के साथ और क्या होता है, गिरफ्तारी दी। अरे आप साधारण नहीं, असाधारण है। लो प्रोसेस। आप कुछ पूछ रहे थे ना जी, मैंने आपसे कहा ना देश में कहीं से भी लड़ाव लड़ लेंगे। ना ना नहीं, बात यह है, आधे तो पहले ही डिक्लेयर हो गए और आधे सीसी से क्लियर हो गए हैं, चार पांच रुके हुए हैं, बाकी आज सर लिस्ट निकल आए। बात यह है मशीनों में हेर फेर ना हो। देखो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि ये मशीन पे हेरा फेरी करने वाले लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वो एक दिन पकड़े जाएंगे और हम लोग काफी निकट पहुंच चुके हैं। जिस दिन पकड़े जाएंगे देशद्रोह में इन्हें फांसी दी जाएगी। क्या किया है सर्वे, धार्मिक सर्वे, देखिए इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। अब उनको अभी सूझा था सर्वे कराने के लिए। बात यह है कि देश में नियम और कानून
और संविधान का पालन होना चाहिए और इसका पालन करने की जवाबदारी और जिम्मेदारी उन सब की भी होती है, हम सब की होती है जो किसी न किसी पद पर संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेना मतलब यह है कि संविधान चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, संविधान का मतलब होता है कि संविधान में बताए हुए आर्टिकल्स के माध्यम से जो नियम और कानून लेजिस्लेचर बनाती है उसका पालन किया जाए। क्या उसका पालन हो रहा है? मेरी दीपक सक्सेना से बात हुई, उनका बेटा चला गया, वो नहीं जा रहे। कौन सी बंगल बड़ा परिवार है? एक मिनट, आप लोगों चंदा मांगेंगे ना? हमारा विज्ञापन फ्री में दो जी जी। अच्छा एक बार और कर दो, लोकतंत्र को बचाइए और कांग्रेस को समर्थन करिए। डैमेज कंट्रोल यही है कि हम सबको चेतावनी दे रहे हैं और हमारी मांग बड़ी सिंपल है कि आप वीवीपैट में जो SLU सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको उजागर कर दीजिए। उजागर क्यों नहीं करते? दूसरा, जो इंजीनियर आते हैं वो कौन है? किसी ठेकेदार के एम्प्लॉय हैं या कंपनी के एम्प्लॉय हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? कौन है ये लोग? उनका पूरा परिचय देना चाहिए। और वीवीपैट में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उसको उजागर करना चाहिए। तीसरा ये है, ये कहते हैं कि साहब इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी इसकी नहीं है, तो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है क्या ये केंद्र सरकार के हमारा माननीय चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट नहीं किया जाता? रैंडमाइजेशन तो मशीन होता है, वो कहां से होता है? इंटरनेट से होता है। कौन सी मशीन कौन से विधानसभा में कौन से पोलिंग बूथ में जाएगा ये भी रिटर्निंग ऑफिसर तय नहीं करता, ये भी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका सेंट्रल सर्वर से होता है। यानी कि कौन सी मशीन उसका क्या नंबर ये कौन से पोलिंग बूथ पे जाएगा, किस पर सॉफ्टवेयर सही ढंग से लगाया जाए, ये सारा निर्णय चुनाव आयोग के माध्यम से होता है। बॉयकॉट करके उनको फ्री लाइन दे देंगे? अरे लड़ाई लड़ेंगे जमीन पर। धन्यवाद।